गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज क्लास में हम लोग स्टडी करने वाले हैं द एगिप्ट ऑफ ए चप्पल चैप्टर का जो नेक्स्ट पैराग्राफ है एगिप्ट ऑफ चप्पल्स ए गिफ्ट ऑफ चप्पल्स ए गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। आज की इस क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं ए गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। जो चैप्टर हमारा चल रहा था उसमें हमने इसके फर्स्ट पार्ट में ये पढ़ रहे थे कि एक जो बिल्ली जो होती है, बच्चे उसको अपने घर में छुपा के अपने घर वालों के पास से छुपा के रखने की कोशिश करते हैं और उस कोशिश में वो ये देख भी पाते हैं कि उन्होंने किस प्रकार से बिल्ली को रखा हुआ है और बिल्ली जो है उसको घर वालों से छुपा के रखा हुआ है। जब मृदु नाम की एक लड़की अपने मौसी के यहाँ अपने मौसेरे भाई और बहनों से मिलने के लिए आती है अपनी, तो उनके बीच में ये सारा वृतांत चल रहा है बच्चों के बीच में। तो एज ए बच्चों की सी एक स्टोरी है, तो इसमें हमने कुछ इसकी बातें पढ़ ली थी। वो आती है, उसके घर पे रुकती है, वो पीछे उसको अहाते में ले जाते हैं और बिल्ली के बारे में वो बातचीत कर रहे होते हैं। तभी उसमें आगे हम ये देख पाते हैं कि वहाँ के एक राजा है महेंद्रन, उसकी बातचीत चल रही थी, उसके बारे में बात कर रहे थे। तो ये सारी बातें सुनकर के मृदु जो है वो जिंगल हो जाती है, मतलब अधीरता से हंसने लग जाती है। उसके बाद हम सकते थिंकिंग आई एम जोकिंग, थिंकिंग आई एम जोकिंग, टी एच आई एन के आई एन जी थिंकिंग, यानी सोचते हुए, थिंकिंग सॉरी थिंक थिंक आई एम जोकिंग थिंक आई एम जोकिंग, आप लोग सोच रहे हो कि मैं मजाक कर रही हूँ। थिंक आई एम जोकिंग, आई एम जोकिंग, आप लोग सोच रहे हो कि आई एम जोकिंग, मैं मजाक कर रही हूँ। वेल अच्छा, फिर वो कह रही है वेल अच्छा, जस्ट वेट, जस्ट वेट, ओके आई एम थिंकिंग, आई एम जोकिंग, मैं मजाक कर रही हूँ। एंड वेल अच्छा, जस्ट वेट, थोड़ा रुको, इंतजार करो, आई विल शो यू, आई सेल शो यू, मैं आपको दिखा दूंगी, आई सेल शो यू समटाइम्स, आई सेल शो यू समटाइम्स, मैं कभी आपको दिखा दूंगी। थिंक आप सोच रहे हो, आई एम जोकिंग, मैं मजाक कर रही हूँ। वेल अच्छा, जस्ट वेट, थोड़ा इंतजार करो, थोड़ा रुको, आई विल शो यू समटाइम्स, मैं कभी इस बात को आपको प्रूफ दिखा दूंगी, उसका प्रमाण दे दूंगी कि मैं जो बातें कह रही हूँ आपको इतिहास के बारे में वो बिल्कुल सही है, मैं इस बारे में आपको प्रमाण दे दूंगी। इट इज क्लियर यू डोंट नो, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ये मान लीजिए इट इज क्लियर दैट, तो ये निश्चित है, इट इज क्लियर दैट, ये निश्चित है कि, इट इज क्लियर दैट यू डोंट नो, इट इज क्लियर यू डोंट नो, तो ये निश्चित है कि यू डोंट नो, इट इज क्लियर दैट यू डोंट नो, कि ये निश्चित है कि आप नहीं जानते, यू डोंट नो ए थिंक अबाउट हिस्ट्री, ए थिंक अबाउट हिस्ट्री, अबाउट हिस्ट्री, कहने का मीनिंग क्या है, इट इज क्लियर दैट, यदि आपको ये मेरी बातें मजाक लग रही है, यू थिंक आई एम जोकिंग, वेल आप यदि ऐसा सोचते हो कि मैंने ये महेंद्र वर्मन की जो कहानी बताई है आपको ये मजाक लगती है, तो आई एम जोकिंग, आपको ये लगता है कि मैं मजाक कर रही हूँ। वेल जस्ट वेट, थोड़ा इंतजार करो, I shall show you sometime. मैं आपको कुछ दिखा देती हूँ। It is clear that you don't know a thing of history. ये निश्चित हो जाता है कि आपको इतिहास का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, आपको इतिहास की बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। Haven't been to, अब देखिए उनसे पूछा जा रहा है, Haven't, क्या पूछा जा रहा है, Haven't been to Mahabalipuram, to Mahabalipuram,
पुरम, हैवंट बीन टू महाबलीपुरम, हैव यू, हैव यू, क्या आप लोग कभी महाबलीपुरम गए हैं या नहीं गए हैं, क्या आप कभी महाबलीपुरम गए हैं या नहीं गए हैं, ऐसा उन्होंने उनसे पूछा। ही सेड मिस्टीरियसली, ही सेड मिस्टीरियसली, ही सेड मिस्टीरियसली, MYSTERI, मिस्टीरियसली, उसने बड़े रहस्यमय तरीके से उनसे पूछा। वेल, अच्छा, वेल, अच्छा, व्हेन आवर क्लास, व्हेन आवर क्लास वेंट, व्हेन आवर क्लास वेंट टू महाबलीपुरम, महाबलीपुरम, जब हमारी कक्षा महाबलीपुरम घूमने गई थी, महाबलीपुरम, आई सा स्टैचू, आई सा स्टैचू, मैंने एक क्या देखा, एक मूर्ति देखी, आई सा स्टैचू ऑफ हिज, अब देखिए ऑफ हिज इसमें शब्द दे रखा है आपके लिए, थाताज, थाताज, TH, ऑफ थाताज, TH, थाताज, थाताज, दादा के दादा, इन थाताज शब्द का अर्थ होता है स्टेच्यू ऑफ हिज थाताज, मैंने एक मूर्ति देखी उनके दादा, उनके दादा के दादा की दादा के दादा की एटसेट्रा, इस तरह के कई प्रकार के दादाओं की उन्होंने एक वंशजों की एक सीरीज देखी, एक राजाओं की उन्होंने श्रृंखला देखी। थाताज, इस तरह मतलब दादाज, दादा, वेंट टू महाबलीपुरम, आई सा स्टैचू ऑफ हिज थाताज, यानी उसके दादा के दादा के दादा के दादा तक की, मतलब ऐसे 10-15-20 पीढ़ियों की उन्होंने स्टोरी है वो देखी, दादाज एटसेट्रा, ETC, ETC, etc. Fact is, तथ्य क्या है? Fact is, महेंद्रन एंशियंट कैट, एट्स फैक्ट इज महेंद्रन एंशियंट कैट, महेंद्रन एंशियंट कैट, तथ्य यह है कि फैक्ट इज महेंद्रन हियर इज महेंद्रन हियर इज महेंद्रन हियर here is a descent, descended from that
फ्रॉम दैट वेरी महेंद्रन हियर इज डिसेंट फ्रॉम दैट वेरी सेम एंशियंट कैट वेरी सेम एंशियंट कैट वेरी एंशियंट कैट। तो इसका मीनिंग देखना, फैक्ट यानी तथ्य यह है कि महेंद्रन इज हियर इज ए डिसेंट फ्रॉम दैट ए वेरी सेम एंशियंट कैट। महेंद्र वर्मन जो राजा था वो इसी बिल्ली का वंशज था, अर्थात वो इसी प्रकार के जो ये बिल्लियाँ थी ये उसके वंश से थी, उनके राजा के जो डायनेस्टीज थी उनसे थी। एंड ए क्लोज रिलेटिव, एंड ए क्लोज रिलेटिव, एंड ए क्लोज रिलेटिव यानी एक नज़दीकी रिश्तेदार, एंड ए क्लोज रिलेटिव साइंटिफिकली स्पीकिंग, ए क्लोज रिलेटिव SCINT साइंटिफिकली स्पीकिंग, अगर मैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कहूँ साइंटिफिक स्पीकिंग यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कहूँ, ऑफ नन अदर देन लॉयल, अर्थात ये सारे के सारे जो राजवंश थे वो किससे, उस बिल्ली परिवार से संबंधित थे हम ये कह सकते हैं। तो क्या कहा उसने, देखिए तो यहाँ से एक बात देख ले, थिंक आई एम जोकिंग, वेल आपको लगता है कि मैं आपसे मजाक कर रहा हूँ, वेल जस्ट वेट थोड़ा इंतजार करो, आई शैल विल शो यू सम टाइम्स, मैं कभी आपको ये दिखा दूंगी, इट इज क्लियर दैट यू डोंट नो एस थिंग अबाउट हिस्ट्री, ये निश्चित है कि आप इतिहास के बारे में एक भी बात नहीं जानते, हैवंट बीन टू महाबलीपुरम, हैव यू, कभी आप महाबलीपुरम गए या नहीं गए। एंड ही सैड मिस्टीरियसली, उसने बड़े रहस्यमय दृष्टिकोण से कहा, वेल अच्छा, when our class went to महाबलीपुरम, जब हमारी कक्षा महाबलीपुरम गई थी, आई सा स्टैचू ऑफ इस्थाइज एटसेट्रा, मैंने उसके दादा के दादा की स्टैचू यानी मूर्तियां देखी। फैक्ट तथ्य यह है कि महेंद्रन हियर इज ए डिसेंड फ्रॉम दैट ए वेरी सेम एंशियंट गेट, कि महेंद्रन जो था वो कौन था इत्यादि की मूर्तियां देख के तथ्य यह है कि महेंद्रन उसी प्राचीन बिल्ली का वंशज है। एंड ए क्लोज रिलेटिव साइंटिफिकली स्पीकिंग ए नन ऑफ अदर देन ए लॉयंस, मैं ये कहूँ कि वैज्ञानिक दृष्टि से कहा जाए तो बिल्ली का जो वंशज है बिल्ली, वैज्ञानिक दृष्टि से कहा जाए डिसेंड फ्रॉम दैट ए वेरी सेम एंशियंट कैट, उसी बिल्ली का वंशज है। एंड ए क्लोज रिलेटिव, एक नज़दीकी रिश्तेदार है, यदि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कहा जाए तो ऑफ नन अदर फ्रॉम द लॉयन, की बिल्ली है उसी शेर की एक नज़दीकी रिश्तेदार है या उसी परिवार की एक सदस्य है, दृष्टि से कहा जाए तो ये शेर का नज़दीकी रिश्तेदार है, कौन बिल्ली, शेर का नज़दीकी रिश्तेदार कौन है बिल्ली है। अब देखना द पल्लव लोयन, पल्लव यानी जो पल्लव राजा थे, द पल्लव लोयन यानी पल्लव राजवंश, द पल्लव लोयन एम्ब्लेम, लोयन एम्ब्लेम, लोयन एम्ब्लेम EMBLEM ऑफ पल्लव डायनेस्टी, ऑफ पल्लव डायनेस्टी, ऑफ पल्लव डायनेस्टी, ऑफ पल्लव डायनेस्टी, अर्थात पल्लव लोयन एल्बम ऑफ
एल्बम ऑफ द पल्लव डायनेस्टी, यानी पल्लव राजवंश का जो प्रतीक है एल्बम, एल्बम यानी प्रतीक है, और पल्लव डायनेस्टी की पल्लव राजवंश का प्रतीक है वो शेर है। क्या प्रतीक है उसका? पल्लव राजवंश का प्रतीक क्या है? शेर है। अब देखना, रवि वेंट ऑन, रवि वेंट ऑन, रवि चला जाता है, रवि वेंट ऑन, रवि क्या कर रहा है? रवि वेंट ऑन वॉकिंग अराउंड ए बिटर बेरी, वेंट ऑन वॉकिंग, वेंट ऑन यानी एलम ऑफ द पल्लव डायनेस्टी, रवि वेंट ऑन वॉकिंग, रवि घूम रहा है किसके चारों तरफ, वेंट ऑन वॉकिंग अराउंड, वॉकिंग अराउंड बिटर बेरी बस, झाड़ी के जो पेड़ है उसके चारों तरफ वह ये घूमते हुए ये बातचीत कर रहा है। रवि वेंट ऑन यानी रवि जा रहा है वॉकिंग अराउंड बिटर बेरी बुश यानी उस झाड़ी के चारों तरफ वह घूम रहा है। एंड वेविंग ए ट्विप, वेविंग ए ट्विप उसकी एक टहनी को हिलाते हुए, वेविंग ए ट्विप अप एंड डाउन, अप एंड डाउन उसकी एक टहनी को कभी वो ऊपर ले ले जाता है, अप एंड डाउन कभी नीचे ऐसे हिला रहा है उसको, अप एंड डाउन कर रहा है और ये बातचीत कर रहा है। हिज आईज उसकी जो आंखें हैं, हिज आईज उसकी जो आंखें हैं, हिज आईज यानी उसकी जो आंखें हमारे सामने रखी हुई बातें करते हुए, हिज आईज स्पार्किंग हिज आईज स्पार्किंग ये बातचीत करते हुए उसकी आंखें हैं वो झमझमा रही होती है, स्पार्किंग कर रही होती है, ऊपर नीचे हो रही होती है स्पार्किंग। अब इससे आगे हम देखते हैं स्पार्किंग, उसकी आंखें जो हैं वो स्पार्क कर रही थी, झुंझला रही थी, स्पार्किंग यानी ये बातें कहते हैं उसकी आंखों में कुछ चमक थी। अब देखना, दिस कैट ये बिल्ली, दिस कैट यानी ये बिल्ली, इज डिसेंडेंट डिसेंडेंट यानी वंशज, डिसेंडेंट डिसेंडेंट दिस कैट इज डिसेंडेंट ये वंशज है, दिस कैट इज डिसेंडेंट ऑफ none other than the Mahabalipuram ऋषिकेट यानी महाबलीपुरम के ऋषि की जो बिल्ली है उसकी ये वंशज है। दिस कैट इज डिसेंडेंट ऑफ नन ऑफ अदर देन द महाबलीपुरम ऋषिकेट यानी महाबलीपुरम के जो राजा है उस जो ऋषि है उसकी बिल्ली की ये वंशज है। मैं यदि आपको दिलाऊं, रिमाइंड करवाऊं, इफ आई मे जस्ट रिमाइंड यू यदि मैं आपको याद दिलाऊं, एंड जस्ट रिमाइंड यू यदि मैं आपको याद दिलाऊं, रिमाइंड यू यदि मैं आपको याद दिलाऊं, they worshipped the cat
जस्ट रिमाइंड यू दे वर्शिप द कैट दे वर्शिप द कैट इन एंशियंट इजिप्ट इन एंशियंट इजिप्ट अर्थात मैं ये कहना चाहता हूं दिस कैट इज डिसेंडेड ऑफ नन अदर देन द महाबलीपुरम ऋषि कैट ये महाबलीपुरम का जो ऋषि है उसकी बिल्ली की वंशज एंड आई मैं जस्ट रिमाइंड यू मैं आपको याद दिला देता हूँ जस्ट रिमाइंड यू मैं आपको याद दिला देता हूँ दे वर्शिप्ड द कैट्स इन द एंशियंट इजिप्ट और प्राचीन मिस्र में बिल्लियों की पूजा की जाती थी मैं आपको ये याद दिला देता हूँ ये बात है वो उससे कह रहा है इस प्रकार से बाकी अगला पैराग्राफ हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे थैंक यू वेरी मच